हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास चैप्टर 2 जो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, आज जो आपका रिवीजन एक्सरसाइज रह गया तो वो हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका हो सकता है आपकी जो है ट्यूजडे को टेस्ट हो, अदरवाइज आपको फ्राइडे का जो है टेस्ट जो होगा पूरी सेकेंड चैप्टर्स का, ठीक है। वैसे तो हम कल ही टेस्ट लेंगे, फिर जो अब आने वाला जो क्लास होगा उसमें टेस्ट होगा आपका, तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन कराना। हम एक रिवीजन एक्सरसाइज कर लेते हैं। रिवीजन एक्सरसाइज जो है पूरी चैप्टर्स में आप लोग क्या क्या पढ़े थे वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आई होप सब अपनी बुक का नोटबुक निकाल के बैठे होंगे, तो आप लोग वहाँ से रिवीजन एक्सरसाइज में देखना। रिवीजन एक्सरसाइज में देखना जो फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट इन नंबर्स नेम, इसे हमें नंबर्स नेम में लिखना है। नंबर नेम में लिखना किसे इसे, जैसे ए में है 2385। तो आई होप कि अब सबको नंबर नेम में लिखने के लिए आ गया होगा। कैसे, क्या लिखोगे आप 2885, तो क्या लिखोगे 2000, जिसे नहीं आता एक बार यहाँ पे हम करा देते हैं, 2000 TOUSAND 2300, क्या आता है 300। देखो राइटिंग नहीं समझ में आ रही थोड़ी सी, हम ये ना लिखने में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हो जाती है प्रॉब्लम लिखने में, तो आप लोग जो बोल रहे हो उसे ध्यान से सुनना। 2385, क्या लिखेंगे 85, ओके। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था, 2385, ओके। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से इसका बी जो क्वेश्चन है इसमें भी आप लोग कर लोगे, क्या है 9753, तो आप लोग क्या लिखोगे 9753, ओके। इस तरह से आप लोग को करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू में जो है आपको न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स में क्या होता है, यानी कि ये नंबर नेम में लिखा हुआ है, आपको फिगर में लिख के बताना है, तो ये न्यूमरल्स होता है, ओके। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1236, तो आप लोग देखो इस तरह से लिख लेना पहले, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ओके। पहले क्या है 1000, तो 1000 में 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 200, तो 100 में 2 है, फिर 36, तो इस तरह से लिख देंगे 1236। फिर था 8970, तो 8970, तो 7070 होता, ओके। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो आई थिंक देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड में जो था क्या करना है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या करना है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, जैसे 4143, तो आप लोग क्या लिखोगे पहले 4000, पहले लिखोगे 4000 प्लस 100, जो जो हम बोल रहे हैं ना उसी को अलग अलग लिखना है। हम बोल रहे थे 4143, इसी को अलग अलग लिखो 4100, फिर देखो नीचे हम लिख देते हैं, आप लोग तो बुक कॉपी में स्पेस होगा, इस तरह से पूरा लिखोगे 43, ओके। इस तरह से ये हमारा क्या था एक्सपेंडेड फॉर्म, ये था एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से आप लोग करोगे स्टूडेंट्स, इसी का जो बी क्वेश्चन है, बी में जो है 8567, तो पहले लिखोगे 8000 यानी कि 8 पे 30, फिर 500 यानी कि 5 पे 20, फिर 60, 67, ठीक है, तो 60+7, इस तरह से लिखोगे 8000 + 500 + 60+7, दैट इज आवर आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 4 हैगा वो जस्ट इसका उल्टा है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है जस्ट इसका उल्टा है। ये नंबर ये शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ लिखना है। तो देखो क्या है 6899, यानी कि 6899, इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया 5546। बी का अगर जो हम लिखें बी में क्या आ जाएगा 5546, तो ये बी का आंसर हो गया और ये ए का था, ओके। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वेश्चंस को जो था किस तरीके से शॉर्ट आउट करना था। अब जो है स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमें पढ़ना है सक्सेसर के बारे में। तो हम बताए थे कि जहाँ भी सक्सेसर आ गया आपको क्या कर देना, उस डिजिट में +1 कर देना, जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड कर देना।
जैसे अब यहाँ पे बोला कि बताओ भाई 9 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 9 में 1 प्लस कर दोगे तो 10। आपसे पूछेगा कि 100 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 100 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 101। इसी तरह से और आपको कोई पूछे, और आपसे कोई पूछे कि 9999 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप लोग 1 प्लस करोगे 9110, यहाँ पे 1 करिए आया 9110, यहाँ पे 1 करिए आया 10, तो 1000। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि सक्सेसर में क्या करते हैं, सब में प्लस 1 करेंगे, सब में क्या करेंगे स्टूडेंट्स प्लस 1। इसी तरह से इसमें 3843, इसका सक्सेसर क्या लिखोगे आप लोग, 3844, क्या लिखोगे स्टूडेंट, 3844। ओके, इट्स क्लियर है ना, आई होप देखो आप लोग समझ गए। इसी तरह से आप लोग लिखोगे 5102 का क्या लिखोगे, 5103। ओके, और इसी तरह से आप क्वेश्चन, आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्टूडेंट्स क्या लिखना था, राइट द प्रीडेसर। प्रीडेसर में अब क्या करना, जहाँ भी ये चीज़ आ गया प्रीडेसर तो वहाँ पर माइनस 1 कर देना, जो भी डिजिट है उसमें से माइनस करना। एक बार दोबारा से हमारे साथ बोलना, सक्सेसर में क्या करना है तो 1 प्लस करना है, और जहाँ भी प्रीडेसर आ गया तो उस डिजिट में से 1 को माइनस करके लिखना, ठीक है। तो आई थिंक देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था, ठीक है, क्वेश्चन का जो था किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था आ रहा। अब जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 1788 का सब प्रीडेसर लिखना था, प्रीडेसर में माइनस करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा, तो 1777 आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे बी में था 7400, अब इसमें आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9937, तो यानी कि क्या जाएगा, 7399। 7400 का प्रीडेसर जो है बच्चों वो क्या होगा, 7400 का प्रीडेसर जो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 7399। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे प्रीडेसर में क्या था, सक्सेसर में क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमें 6 का प्लेस वैल्यू बताना, तो यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 6 किस पे आ रहा है, काउंट करो, 1, 10, 100, 1000 पे आ रहा है, तो 6 आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे 6400 और इसका प्लेस वैल्यू, तो आप लोग क्या लिखोगे, 6 × 1000, ठीक है, यानी कि 6000 जिस प्लेस पे आ रहा है ना, 6 उसी का प्लेस वैल्यू बताना, तो यहाँ पे 6000 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे इसमें अब हमें बताना है, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या आ गया, तो इसमें क्या था, 2640, और इसका प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा, क्योंकि 6 × 100 करेंगे। यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 6 × 10 तो 60 हो गया। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था और क्या करना था आपको क्वेश्चंस में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है हमें, क्वेश्चंस को क्या करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले छोटे को लिखते हैं। इसमें से देखो एक तो है 4986, एक है 3842, एक है 2841। पहले तो 1000 में देखो कौन छोटा है, 4000 छोटा है, 3000 या 2000 या 5000, तो 2000 है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखोगे 2184, उसके बाद 2 के बाद क्या उससे थोड़ा बड़ा आता है, जस्ट 3000, 3800, और जैसे दोनों में 2 2 है ना सेम है, तो उसके बाद का 100 देख कर करो, उसके बाद 4986, फिर क्या था 5026, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इसी को उल्टा करके पहले ये लिखोगे, फिर ये, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था 8 क्वेश्चंस को भी, क्वेश्चन नंबर 8 को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना था। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हम लोग जब बात करने वाले हैं बच्चों, वो किसकी बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में जो था, फ्रॉम द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट
numbers using the given digit. यानी कि ये जो डिजिट दिया हुआ था बच्चों, इससे आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना था। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम लोग पहले लिखेंगे, जो बड़ा नंबर है ना उसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से क्या है, सेवन, एट, तो एट को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर सेवन, फिर फाइव, फिर वन, 8751। और स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, ऊपर हम लिख देते जस्ट इसका उल्टा, 1578। आ रहा समझ में? जैसे अब ये बी वाला आप लोग करोगे तो बी वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूज होगो। देखो ग्रेटेस्ट में तो जैसे वैसे लिखोगे, ग्रेटेस्ट में पहले आया 6, फिर आया 4, फिर आया 2, फिर आया 0। और स्मॉलेस्ट में हम क्या बताए थे कि इसका उल्टा कर देना, तो 0 को पहले मत लिखना, पहले ना 2 को लिखना, फिर 0 को, फिर 4 को, फिर 6 को, क्योंकि 0 का आगे अगर जो आप लोग लिखोगे ना तो 3 डिजिट का ही नंबर हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, इसलिए हमें इस तरह से करना था ना। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो था, क्वेश्चन नंबर 10 में जो स्टूडेंट्स उसे आपको कंपेयर करना था। कंपेयर क्या करना था कि 4268 है और 4786 है, तब ये दोनों में से कौन बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4268 इज लेस देन 4786। क्या लिखोगे आप लोग स्टूडेंट्स, 4000 आप लोग क्या लिखोगे, हम ये बता रहे थे क्या लिखोगे क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में था 4068, हम लिखेंगे 4268 इज लेस देन, क्या लिखेंगे, इज लेस देन 4786। ठीक है, इसी तरह से 7981 और 7934, यहाँ पे ये बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे 7981 इज मोर देन 7934। ठीक है, इस तरह से आप लोग करोगे तो आई थिंक आप लोग को देखो समझ में आ गया होगा पूरा रिवीजन एक्सरसाइज। आप लोग को जैसे रिवीजन एक्सरसाइज में है ना, इसी के फॉर्मेट में आप लोग का टेस्ट आएगा इसी के जैसा, तो आप लोग बिल्कुल पूरी बुक को अच्छे से रिविजन्स करके रखना, जब भी हमें टाइम मिलेगा या तो फ्राइडे को या तो हम कल ही ले लें। ठीक है, जब क्वेश्चन एक बार आपका सेट कर देंगे तो आपका उतने दिन में टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका यूट्यूब का मार्क्स लगेगा। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको, ताकि अच्छे से पढ़ो तो फिर अच्छे मार्क्स ला सको और अगले चैप्टर अच्छे से और समझ सको। सो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग आज चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे। So thank you for watching. See you next time. Thank you so much.